दूसरी टेस्ट मैच से पहले बाहर हुए केएल राहुल। जी हां दोस्तों, भारत टीम की अभी की देखें तो केएल राहुल कप्तानसी भी करते हैं। उसी के साथ साथ पहला टेस्ट मुकाबला में पर केएल राहुल की कप्तानसी पर भारत टीम ने 188 रन पर बांग्लादेश को हराते नजर में आए थे, 188 रन पर जीते नजर में आए। लेकिन दोस्तों केएल राहुल जी की इंजरी के चलते चलते केएल राहुल बाहर होने वाले हैं सेकेंड टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अभी से सबसे बड़ी सवाल उठ रहा है कि केएल राहुल की जगह पर कौन सी खिलाड़ी को मौका मिलेगा और कौन सी खिलाड़ी केएल राहुल की जगह पर ओपनिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो विराट कोहली भी आप सभी को ओपनिंग करते नजर में नहीं आएंगे और सुमन गिल आपके पास है। उसी के साथ साथ केएल राहुल जो चोट के कारण बाहर हो चुके हैं, उसी के साथ साथ कौन करेंगे आप आज की सुमन गिल के साथ ओपनिंग, बताएंगे आप सभी को इस वीडियो के दौरान। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि हर मैच से पहले प्रैक्टिस सेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, आज भी भारत टीम की प्रैक्टिस सेक्शन हुआ था, वहीं पर देखिए तो नेट प्रैक्टिस के दौरान पर केएल राहुल की हैंड पर, यहां पर दोस्तों केएल राहुल की हैंड पर जो कि गेंद लग गई और केएल राहुल की हाथ में जब गेंद लगी केएल राहुल ने चोटिल हो गए और केएल राहुल की भी आसपास की जो कि हॉस्पिटल में भी देखा गया, स्कैनिंग करा गया। लेकिन केएल राहुल की जो कि अपडेट आ चुका कि केएल राहुल आप सभी को रूल आउट होते नजर में आएंगे दूसरे टेस्ट मैच में, आप सभी को केएल राहुल नजर में नहीं आने वाले। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ अभी सबसे बड़ी जो कि सवाल उठ रहा है कि आप सभी के पास जो कि अभिमन्यु विश्रम जो कि केएल राहुल जाने के बाद जो कि चोटिल होने के बाद अभी जो कि अभिमन्यु विश्रम जो कि ज्यादा समय नेट में प्रैक्टिस करते नजर में आए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी सवाल उठ रहा है कि आपके पास एक बेहतर सी ओपनिंग साझेदारी है कि अभिमन्यु विश्रम एक लेफ्ट गेंदबाज जो कि बल्लेबाज है, लेफ्टी बल्लेबाज है, उसी के साथ साथ आपके पास सुमन गिल है जो कि राइट हैंड बल्लेबाज है, जो तो बहुत बड़े कॉम्बिनेशन रहेगा। तो केएल राहुल जाने के बाद जो कि सबसे बड़ी जो कि सवाल उठ रहा है कि अभिमन्यु विश्रम को करा जाए, क्योंकि दोस्तों आपके पास वक्त भी बहुत ही कम है, क्योंकि आपके मैच काल होने वाला है, दूसरी टेस्ट मैच की शुरुआत काल हो जाएगा। और फिर हम लोग देखें तो केएल राहुल इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं, उसी के साथ साथ आप सभी को अभिमन्यु विश्रम नजर में आ सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करिए, जितना पड़े उतना शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।